जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद ITBP में एक बहुत बड़ी भर्ती निकली है, जिसके बारे में आज मैं आपको अपडेट देने वाला हूं। तो इस समय हम हैं ITBP की ऑफिशियल वेबसाइट पर और आप देख सकते हैं ये जो वेबसाइट है दोस्तों स्पेशल ITBP के द्वारा बनाई गई है और ITBP की रिक्रूटमेंट से संबंधित जो भी कार्यवाही जो भी एक्टिविटी होती है वो इसी वेबसाइट पर होती है। तो दोस्तों, इस वेबसाइट से ही मैंने आपके लिए ये जो है वो नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है और इस नोटिफिकेशन में किस किस पोस्ट पर वैकेंसी हैं, उनकी एज क्वालिफिकेशन जो भी है हम आपके लिए सब कुछ बताएंगे। ठीक है, मतलब एज क्वालिफिकेशन और आपकी जो सब कुछ जो भी आपके लिए इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आवश्यकता है जानने की, वो हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि कौन कौन से पोस्ट पर यहाँ पर जो है वो वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो दोस्तों, हेड कांस्टेबल कॉम्बेटेंट मिनिस्ट्रियल ऑब्लिक डायरेक्ट एंट्री, ठीक है, मेल, और हेड कांस्टेबल कॉम्बेटेंट मिनिस्ट्रियल डायरेक्ट एंट्री फीमेल, दोनों के लिए ही यहां पर दोस्तों मेल और फीमेल के लिए वैकेंसीज निकली हुई हैं और यहां पर कास्ट वाइज जो है वो वैकेंसीज दी गई हैं। तो दोस्तों, मेल के लिए जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 135 हैं और फीमेल के लिए ओनली 23 वैकेंसीज हैं। इस तरह से दोस्तों मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर 158 यानी कि 158 जो है वो टोटल वैकेंसीज यहां पर निकली हुई हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों हेड कांस्टेबल कॉम्बेटेंट मिनिस्ट्रियल LDCE। इसका मतलब यह है कि अगर आप ITBP में किसी भी लोअर पद पर कार्यरत हैं पहले से ही, तो आप अपना जो है वो इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करके आप अपने ग्रेड को अपग्रेड कर सकते हैं या फिर जो है वो आप अपनी से ऊंची पोस्ट पे जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप कांस्टेबल हैं तो आप हेड कांस्टेबल डायरेक्ट बना दिए जाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए टोटल जो वैकेंसीज हैं वो हैं 90, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए जो है वो केवल इस पार्ट से जो है वो मतलब है। ठीक है, क्योंकि हेड कांस्टेबल की जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए ही वैकेंसीज आई हुई हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इन वैकेंसीज में अप्लाई करने के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशन होगी दोस्तों वो क्या होगी। ठीक है, तो हेड कांस्टेबल कॉम्बेटेंट मिनिस्ट्रियल डायरेक्ट एंट्री के लिए आपकी जो एज होनी चाहिए दोस्तों, ओनली इस समय मैं बात कर रहा हूँ मेल की, ठीक है, तो आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए वो 18 साल से 25 साल होनी चाहिए और आप इंटरमीडिएट क्लास जो है वो पास होने चाहिए किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से यानी कि बोर्ड से। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका स्किल टेस्ट भी होगा क्योंकि ये ऑफिशियल वैकेंसीज हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, आपका स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा। तो स्किल टेस्ट में दोस्तों आपका टाइपिंग का टेस्ट होगा, तो अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग करते हैं दोस्तों तो 35 वर्ड पर मिनट, और अगर आप हिंदी की टाइपिंग का टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको 30 वर्ड पर मिनट का जो है वो स्पीड निकालनी होगी और ये जो टेस्ट होगा वो आपका होगा कंप्यूटर पर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपकी जो एज लिमिट है दोस्तों 18 से 25 तो मैंने बता दी। आपका जो बर्थ डेट है वो 2 जनवरी 1997 यानी कि 2 जनवरी 1997 से पहले की नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों हम फीमेल के लिए, तो हेड कांस्टेबल कॉम्बेटेंट मिनिस्ट्रियल के लिए अगर आप दोस्तों फीमेल हैं और आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों, तो भी आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 25 ही होगी और सेम टू सेम आपके लिए जो है वो टेस्ट लिए जाएंगे। ओके, चलिए, तो यहाँ मेल और फीमेल के लिए कोई भी दोस्तों अंतर नहीं दिया गया है। उसके बाद में हम चलते हैं दोस्तों आपके लिए जो है वो इस एप्लीकेशन को भरने के लिए, फिलअप करने के लिए ITBP की इस वेबसाइट पर जाना होगा जो कि मैंने पहले से ही ओपन करके रखी हुई है। ठीक है, ये वेबसाइट है दोस्तों recruitment.itbppolice.nic.in। ठीक है, चलिए, तो आपको डायल करना होगा दोस्तों, लॉगिन करना होगा www.recruitment.itbppolice.nic.in पे। यहाँ पर आपके लिए जो है वो अपनी एप्लीकेशन फिलअप करनी होगी। उसके बाद में दोस्तों आपको एक इम्पोर्टेंट डेट बता दें जिसके बीच में आपके लिए जो है वो इस भर्ती के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस भर्ती के लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन विद इफेक्ट फ्रॉम 8 जून 2022 से 7 जुलाई 2022 के बीच में कर पाएंगे, यानी कि अभी काफ़ी टाइम है दोस्तों, करीब 10 दिन हैं इसमें इसका जो लिंक है वो एक्टिवेट होने के लिए। तो 8 जून 2022 से 7 जुलाई 2022 के बीच में आप जो है वो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी जो है वो मिल गई होगी। अगर फिर भी आपका दोस्तों कोई सवाल है तो आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहां से जाकर पूछ सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ दोस्तों जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप चाहे इंडिया के किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं इंक्लूडिंग नेपाल और भूटान, ठीक है,
अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं या फिर आप इंडिया से बाहर नेपाल या भूटान के रहने वाले हैं तो भी आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी दोस्तों एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, जो कि आप ये जो भर्ती है वो ऑल इंडिया भर्ती है और इसमें नेपाल और भूटान के कैंडिडेट भी भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस भर्ती से संबंधित कोई भी सुझाव या फिर हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।